अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्रिएट करने वाले हैं 5 फाइल्स। सबसे पहले उसके लिए हमें एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। फोल्डर यहाँ मैंने बना लिया, इसको मैं रिनेम दे देती हूँ। रिनेम जो है मैं इसे देती हूँ 5 new files creation। इसी तरह से हम इसे ओपन कर लेंगे। इसे ओपन करेंगे और इसे हमें, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कराना है, तो हम यहाँ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, सीएमडी के पर क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे कमांड बार में कोड पेस्ट डॉट, और ये हमारा जो है फोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। इनकेस ना ओपन हो तो वही करना पड़ेगा जो हम करते हैं। हम ड्रैग करते हैं न्यू फाइल, तो उसे जो है यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इसे ट्रैक कर रही हूँ। करेंगे और हम यहाँ लिखेंगे main.ts। ये हमारे पास एक फाइल क्रिएट हो गई टाइपस्क्रिप्ट की, main.ts। नाम आप कुछ भी रख सकते हो, अपना रख सकते हो, लेकिन इनके बिटवीन कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। main.ts या आप अपना नाम रख के .ts कर लो, नो मैटर, बस .ts होगा, बिटवीन कोई स्पेस नहीं होगी। अब हम जाते हैं टर्मिनल की तरफ। इसी तरह से हम टर्मिनल ओपन कर लेंगे। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, यहाँ आएंगे तो यहाँ हमारे को इस पावर शेल से हटाकर कमांड प्रॉम्प्ट की तरफ देना पड़ेगा, जो हमें थर्ड ऑप्शन पे मिलेगा। पावर शेल डिलीट कर देते हैं। मेन डॉट टी एस की फाइल क्रिएट हो गई। अब हमारे को पहले हम यहाँ एक फाइल क्रिएट करेंगे और उसके लिए हम कमांड पास करेंगे, वो क्रिएशन की फाइल, और उसके लिए हमारे हम कमांड पास करेंगे, वो करेंगे tsc स्पेस हाइफन हाइफन इन इट। हाइफन हाइफन जो हम बोल रहे हैं वो हम डैश को बोल रहे हैं। यहाँ पर दो तरह के डैश होते हैं, एक होता है डैश और दूसरा होता है अंडर स्कोर। तो हम यहाँ अंडर स्कोर यूज़ नहीं करेंगे, जैसे आप पेज बोलते हो उसे यूज़ करेंगे एज अ नेम ऑफ हाइफन। तो हम यहाँ लिखेंगे tsc स्पेस हाइफन हाइफन इनिट। ये इस तरह से हम कमांड को जो है बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन की एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, देख सकते हो। सेकेंडली हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमें एक पैकेज जेसन की फाइल यहाँ पर जो है वो क्रिएट करनी है। तो उसकी कमांड हम पास करेंगे npm स्पेस init space hyphen y, ठीक है। जैसे ही हम उसकी कमांड को जो है पास करेंगे तो हमारे पास एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हो पैकेज जेसन की फाइल, 3 फाइल्स हमारे पास क्रिएट हो गई। अब हमें एक फाइल और क्रिएट करनी है और उसको हम नाम देंगे पैकेज लॉग जेसन। उसका नाम ही पैकेज लॉग जेसन है। उसकी फाइल क्रिएट करने के लिए हमारे को एक कमांड और पास करनी है, और उसका उस कमांड का जो तरीका है वो ये है। हम यहाँ लिखेंगे npm स्पेस i। i जो है इंस्टॉल का है, आप चाहो तो इंस्टॉल लिख लो, चाहो तो i लिख लो। हम यहाँ खाली i लिख रहे हैं, फिर एक स्पेस और देंगे। यहाँ लिखेंगे @types, टाइप नहीं लिखेंगे, टाइप्स लिखेंगे, स्लैश देंगे, नोड लिखेंगे, स्पेस देंगे हाइफन हाइफन कैपिटल d। एंटर दबाएंगे, ये थोड़ा प्रोसेस होने में टाइम लेती है ये फाइल। कमांड देखनी पड़ेगी, बिल्कुल सही पास किया। अगर आपने कमांड बिल्कुल सही पास की है तो फ़ौरन से आपकी फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी, कोई एरर नहीं आएगा। इन केस कोई एरर आता भी है टाइप स्क्रिप्ट में तो आप उसे चेक कर सकते हो। तो अभी ये फाइल जो है थोड़ा सा टाइम ले रही है प्रोसेस होने में। अभी हमने 3 फाइल बना ली है, एक टाइप स्क्रिप्ट की, एक पैकेज जेसन की, एक कॉन्फ़िगरेशन की, और चौथी फाइल के लिए कमांड हमने पास कर दी है पैकेज लॉग जेसन की, वो फाइल है। ये फाइल थोड़ा सा टाइम ले रही है क्रिएट होने में। ये लो, यहाँ पर हमारे पास फाइल क्रिएट हो गई पैकेज लॉग जेसन के नाम से। कमांड कहाँ खुल गई, ठीक है। अब तक हमारे पास 4 फाइल जो है वो क्रिएट हो गई हैं। हम 5वीं फाइल क्रिएट करने की तरफ जाते हैं। हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, हम सीधा टाइप स्क्रिप्ट में आएंगे, main.ts की फाइल बनाइए। यहाँ हम सिंपल एक जो है कोड बना लेते हैं, या अपना हेलो वर्ल्ड का कोड बना लेते हैं, उसकी मदद से हम वो 5वीं फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो के लिए हमें करना ये है, हम यहाँ लिखेंगे console.log। सिंपली कोई भी कोड रन कराना होता है तो हम लिखते हैं console.log और हेलो वर्ल्ड।
इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखना है जो भी हम लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग से जो हमें प्रिंट करवाना है उसे हम हेलो वर्ल्ड को इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। अब आ जाते हैं वापस टर्मिनल की तरफ। यहाँ से हमारे को अपने कोड को कंपाइल कराना है जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि हमें उसकी फाइल क्रिएट करनी है। तो हम हमारे को के लिए कमांड पास करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ tsce स्पेस, फाइल का नाम क्या है, मेन डॉट टी एस। तो हम यहाँ लिखेंगे मेन डॉट टी एस। टाइप स्क्रिप्ट से हमारी फाइल जो है कंपाइल हो रही है, टाइप स्क्रिप्ट हमारा कोड कंपाइल हो रहा है जावास्क्रिप्ट में। जैसे ही वो कंपाइल होगा हम अपने कोड को फिर रन करेंगे। यहाँ देखें हमारे पास फाइल क्रिएट हो गई है जावास्क्रिप्ट की, कोई इन दोनों चेंजेस नहीं है, लेकिन हमें यहाँ से कोड को रन करवाना है। तो के लिए हम यहाँ पर एक कमांड पास करेंगे, हम लिखेंगे डॉट टीएस, फाइल का नाम हमारी है मेन डॉट टी एस। हम यहाँ लिखेंगे मेन डॉट टी एस नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम लिखेंगे जेएस, क्योंकि हम इस जावास्क्रिप्ट की तरफ कोड को रन करवा रहे हैं। इंटरफेस करेंगे, ये मेरे पास लिखा हुआ गया हेलो वर्ल्ड, और हमारे पास फाइल्स क्रिएट हो गई हैं। इसलिए जावास्क्रिप्ट इज लॉग जैसा पैकेज जैसा कॉन्फ़िगरेशन, जो फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं। जितनी भी कमांड्स इन्हें नोट डाउन करें, प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको ये याद जाएंगी। और देखिए,